जहां एक ओर सरकार देश को साफ व स्वच्छ रखने के वादे करती है, वहीं ऐसा एक मामला दुगनेड़ी गांव का है जहां पर स्वच्छता अभियान का कोई नामो निशान नहीं है। दुगनेड़ी गांव के लोगों ने जहां अपने पशुओं को चराते हैं, वहां पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाया गया है और लोगों ने काफी गंदगी फैलाई है, जिसकी वजह से पूरे गांव में बदबू ही बदबू फैल गई है, आना जाना मुश्किल हो गया है। इस समस्या को लेकर दुगनेड़ी गांव की महिला मंडल ने उपायुक्त हमीरपुर को इस समस्या का निपटारा करने के बारे में ज्ञापन सौंपा। वहीं गांव की महिला ने बताया कि जहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाया गया है, उस जगह पर आवारा कुत्ते और बंदर घूमते रहते हैं, जिन्होंने कई बार कुछ बच्चों को भी काटा है, लेकिन लोग फिर भी वहां पर गंदगी फैलाने से बाज नहीं आ रहे, जिसके चलते इस समस्या के निपटारे के लिए उपायुक्त हमीरपुर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं नीता शास्त्री का कहना है कि 3-4 गाँव तक इस गंदे कूड़े की बदबू फैली रहती है, जिससे कि बीमारियां होने का खतरा रहता है। उन्होंने कहा कि अगर इस समस्या का निपटारा जल्द से जल्द नहीं किया गया तो गांव का सारा महिला मंडल एनजीटी के पास जाएगा। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सौजन्य से दिव्यांगों को सामग्री आवंटित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन बचत भवन में किया गया, जिसकी अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा डॉक्टर साधना ठाकुर ने की। विधायक नरेंद्र ठाकुर भी इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित रहे। डॉक्टर साधना ठाकुर ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी मानवता की सेवा में समर्पित है और समिति का प्रयास रहता है कि समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचकर असहायों की सहायता के लिए कार्य कर सके। राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में एक सेवा केंद्र भी चलाया जा रहा है, जो गरीब असहाय लोगों को निशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवा रहा है। इसके अतिरिक्त बारिश के इस मौसम में सोसाइटी ने वृक्षारोपण का अभियान प्रारंभ किया है, ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ व सुरक्षित रह सके। उन्होंने कहा कि सोसाइटी एक इकाई के तौर पर निष्पक्ष सेवा भाव से कार्य करती है और जितने अधिक लोग इससे जुड़ेंगे, उतनी ही समिति मानवता की सेवा में और सक्षम हो सकेगी। इसके लिए सदस्य नर सेवा नारायण सेवा की भावना से कार्य करें, लोगों तक पहुंचकर अपनी बात उनके समक्ष रखें और समिति के उद्देश्य के बारे में उन्हें समझाएं। इससे दानी लोग समिति की सहायता के लिए अवश्य आगे आएंगे। हमीरपुर जिला में सोसाइटी की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए रेड क्रॉस मेले का विस्तार करते हुए इससे विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों व महिला मंडल तथा स्वयं सहायता समूहों को भी जोड़ें। उपायुक्त एवं जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष हरिकेश मीणा ने जिला में समिति के माध्यम से चलाए जा रहे कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। जिला में वर्ष 2017-18 में लगभग 2,08,000 रुपए तथा वर्ष 2018-19 में लगभग 1,15,000 रुपए जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किए गए। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में रेड क्रॉस के माध्यम से एक क्लिनिकल लेबोरेटरी संचालित कर बाजार से सस्ते दामों पर विभिन्न टेस्ट इत्यादि सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त एम्बुलेंस व जिला पुनर्वास केंद्र के माध्यम से भी सेवाएं प्रदान की जा रही है। इस अवसर पर उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के आजीवन सदस्यों विपिन शर्मा, बीना चंदेल, राजकुमारी एचआर चड्डा तथा राम रतन डोगरा को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त 5 दिव्यांगों को व्हीलचेयर तथा लगभग 25 दिव्यांग बच्चों को ट्रैक सूट आवंटित किए गए। प्राइमरी स्तर के बच्चों को चार्ट भी उपलब्ध करवाए गए। कार्यक्रम में विधायक नरेंद्र ठाकुर, एचआरटीसी के उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री, जिला परिषद के अध्यक्ष राकेश ठाकुर व उपाध्यक्ष चंदूलाल चौधरी, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा वंदना शर्मा, अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम, उपमंडलाधिकारी नदौन डॉक्टर चिरंजीलाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी टीआर आचार्य, जिला कल्याण अधिकारी संजीव शर्मा सहित स्वयंसेवा संस्थाओं के प्रतिनिधि व अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।
हमीरपुर में बोटा में चोरों ने बड़ी शातिरता से पिछली दीवार में छेद करके चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार बोटा से कुछ दूरी पर पेट्रोल पंप ठमाणी के पास कन्फेक्शनरी की दुकान में चोरों से सेंध लगाई है और लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों को पकड़ने के लिए छानबीन शुरू कर दी है। चोरों की सारी वारदात दुकान के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस चोरों की छानबीन में जुट गई है। भोटा से कुछ दूरी पर पेट्रोल पंप ठमाणी के पास राजकुमार पुत्र लोकाराम की किराने कन्फेक्शनरी की दुकान में देर रात 3:30 बजे के लगभग चोरी की वारदात का मामला सामने आया है। चोर बड़ी शातिरता से दुकान की पिछली दीवार को फांद कर एक छेद करके दुकान के अंदर घुसे और सारा सामान भी उसी रास्ते से चुरा कर बाहर ले गए। हालांकि चोर की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी हैं, लेकिन चोर ने अपना चेहरा नकाब से ढका हुआ था और चोर का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। चोर नकदी व खाने की सामग्री ले उड़ा। चोर करीब 60,000 के लगभग सामान चोरी करके ले गए हैं। वहीं दुकानदार जब सुबह अपनी दुकान को खोलने आया तो दुकानदार ने अंदर जाके देखा तो दुकानदार के पैरों तले जमीन खिसक गई। दुकान के सामान बिखरा हुआ था, नोटों के हार व नकदी गायब थी, खाने की सामग्री भी गायब थी। दुकानदार ने तुरंत इसकी सूचना भोटा पुलिस कक्ष को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है।